Welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you business studies. हाँ जी, हम लोगों ने हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली है, ठीक है. तो आज हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, ठीक है. सबसे पहले हम लोग एक चीज़ जान लें कि जब एक पर्सन जब बिजनेस स्टार्ट करता है, हम लोगों ने पढ़ लिया कि कैसे कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं, ठीक है. उनमें से जब कोई पर्सन क्या है, प्रोफेशन में नहीं जाता, एम्प्लॉयमेंट नहीं जाता, तो वो क्या है, बिजनेस करने की सोचता है, ठीक है. तो क्या होता है कि एक पर्सन जब ये सोचता है कि फर्म वो क्या है, एक बिज़नेस करना चाहता है, तो उसके माइंड में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं. सबसे पहला वही सोचता है कि मुझे किस टाइप का बिज़नेस करना चाहिए, नेचर ऑफ बिज़नेस, मतलब कौन सी एक्टिविटी, मतलब मुझे ट्रेड करना चाहिए या फिर क्या है, मुझे मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए, सर्विसेज प्रोवाइड करवानी चाहिए, ठीक है. ये नेचर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है. क्या नेचर रहेगा उस बिज़नेस को करने के लिए, कितनी कैपिटल की ज़रूरत होगी, ठीक है. क्या वो खुद अकेला ओनर रहेगा उस फर्म का, या फिर क्या है, कुछ अपनी ओनरशिप क्या है वो डाइल्यूट करना चाहता है, मतलब अलग अलग लोगों में बांटना चाहता है जो बिज़नेस वो करना चाहता है, ठीक है. या फिर जो वो बिज़नेस करना चाहता है, वो इतनी सारी जो फॉर्म्स अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक बिज़नेस को एस्टेब्लिश करने की इतनी सारी फॉर्म्स अवेलेबल हैं, ठीक है, उनमें से कौन सी फॉर्म में क्या है वो बिज़नेस करना चाहता है. हाँ जी, इतने सारे क्वेश्चंस क्या हैं उसके माइंड में आते हैं, ठीक है. हम लोगों ने नेचर ऑफ बिज़नेस पढ़ लिया है, आज हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी सेकंड यूनिट है, आज हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है. फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है. हाँ जी, देखिए क्या होता था कि स्टार्टिंग में जब बिज़नेस होते थे, वो एक छोटे लेवल पर होते थे, कि क्या होता था कि वो अपने घरों में गुड्स बनाते थे और अपने लोकल एरिया के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, यानी कि वहीं पर सेल और परचेज कर लेते थे और प्रॉफिट अर्न कर लेते थे. लेकिन फिर क्या हुआ कि डिमांड बढ़ी, लोगों ने डिमांड करना गुड्स का स्टार्ट किया, फिर क्या हुआ, वो एक पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड नहीं रहेगी बल्कि और एरिया में भी क्या होगी, उसकी डिमांड होने लगी. आजकल तो क्या इंटरनेशनल लेवल पर डिमांड होने लगी, ठीक है. तब एक पर्सन के लिए मुश्किल हो गया इतनी ज़्यादा अमाउंट में फाइनेंस इकट्ठा करना, इतने सारे मैनेजर, इतने सारे एम्प्लॉयज़ को क्या है संभालना, ठीक है, सभी चीज़ों को अरेंज करना, उसको संभालना मुश्किल हो गया, ठीक है. तब क्या हुआ, गवर्नमेंट को ये ज़रूरी लगा कि हमें अलग अलग फॉर्म में क्या है बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहिए, मतलब फॉर्म्स बनानी चाहिए, ठीक है. तो क्या हुआ, गवर्नमेंट को अपनी इंटरफेरेंस की ज़रूरत लगी, ठीक है. फिर क्या हुआ, हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स आई ऑर्गेनाइजेशन की, किस तरीके से हम बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है. सबसे पहला क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप. फिर क्या आया, पार्टनरशिप फॉर्म, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव. फोर्थ वन इज़ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, फिफ्थ वन इज़ कंपनी. हाँ जी, आज हम सोल प्रोप्राइटरशिप, आज हम इन फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे और होती क्या है फॉर्म्स वो पढ़ेंगे, ठीक है. तो सबसे पहली है सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप, जैसे कि सोल का मतलब क्या होता है, अकेला. प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या हो गया, ओनरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है, एक अकेला पर्सन बिजनेस को स्टार्ट करता है, वो अकेला ही उसको क्या करता है, मैनेज करता है, और अकेला ही क्या होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब अगर प्रॉफिट हुआ तो उसकी जेब में जाएगा, अगर लॉस हुआ तो वो खुद बियर करेगा, चाहे उसको कहीं से भी उसको चुकाना पड़े, ठीक है. तो सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला ओनर होता है, वही सारी काम के लिए, अपने बिजनेस के हर एक चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है. ना उसको किसी को प्रॉफिट देना होता है, और अगर लॉस होता है तो वो अपने पास रखता है. मोस्टली क्या है, जब स्टार्टिंग हुई बिजनेस की, इसमें तब यही होता था, ठीक है, कि सोल प्रोप्राइटरशिप ही फॉर्म में आई थी, ठीक है. लेकिन अभी भी काफ़ी लोग अकेले बिजनेस करते हैं, उसको बोलते हैं हम सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है. जैसे कि होता है, ज़्यादातर हम सोल प्रोप्राइटरशिप आजकल कहाँ करते हैं, जहाँ पर क्या है स्मॉल लेवल पर बिजनेस हो, ब्यूटी पार्लर्स हो, ठीक है, सैलून्स हो, यहाँ पर क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्या है ओनरशिप लगभग एक पर्सन के हाथ में होती है. तो मैंने एक एग्जाम्पल भी दे दिया, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप का. फिर क्या हुआ कि जब उनको लगा कि अकेले पर्सन के लिए बहुत मुश्किल है इतनी सारी कैपिटल, इतने फंड इकट्ठा करना, ठीक है, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अकेले हैंडल करना, ठीक है, तब क्या हुआ, फिर क्या हुआ, दो या दो से लोगों ने सोचा, ज़्यादा लोगों ने देखो क्या सोचा कि हम सब मिलकर बिज़नेस करेंगे और क्या है फर्म को चलाएंगे, ठीक है. जैसे कि आप लोग कहते हैं ना, बड़े होकर हम दोनों मिलकर बिज़नेस कर लेंगे, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है कि बड़े होकर फ्यूचर में हम दो एक पार्टनरशिप फर्म करेंगे, एक बिज़नेस करेंगे जिसमें हम दोनों क्या होंगे, पार्टनर होंगे, ठीक है. तो एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली होती है, इसमें अकेला पर्सन कभी भी खुद का पार्टनर नहीं बन सकता, इसमें हमेशा दो लोगों की ज़रूरत होती है, दो या दो से ज़्यादा लोगों की, ठीक है. अब क्योंकि इसमें दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है, तो झगड़े के चांसेस होते हैं. तो ये कहता है कि इसको कौन गवर्न करती है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. हाँ जी, हमारी जो पार्टनरशिप फर्म होती है, अगर उसको रजिस्टर करवाया जाए, क्योंकि क्या है झगड़ा भी हो सकता है, ठीक है, कोई पार्टनर किसी को धोखा ना दे दे, ठीक है. तो इस प्रोटेक्शन के लिए कई बार वो क्या करते हैं, अपने पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवा लेते हैं. कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. हाँ जी, आई होप आपको समझ आया होगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, एक अकेला ओनर होता है, वही कैपिटल इन्वेस्ट करता है, वही पूरे बिजनेस को मैनेज करता है,
वही क्या है, सभी रिस्क और प्रॉफिट को बियर करता है। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि जब क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर क्या है एक फर्म को स्टार्ट करते हैं, बिजनेस को चलाते हैं, ठीक है, तब क्या होता है एक पार्टनरशिप फर्म बनती है, ठीक है। कई बार वो क्या कर लेते हैं, उसको रजिस्टर करवा लेते हैं, फिर क्या होता है वो क्या है पार्टनरशिप, उसको कौन गवर्न करता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके बाद आया जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। हाँ जी, आपने कई बार सुना होगा कि हमारा तो फैमिली बिजनेस है। हाँ जी, इसका मतलब क्या होता है फैमिली बिजनेस का, इसका मतलब क्या है, एक पूरी फैमिली उस बिज़नेस को हैंडल किए हुए हैं, ठीक है। उस फैमिली में जितने भी मेंबर्स होते हैं, कई बार तो क्या फीमेल्स भी उसमें मतलब हिस्सा लेती हैं, तो उस फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वही उस बिज़नेस को ओनरशिप भी उनके हाथ में होती है, वही उसको मैनेज करते हैं, वही उसको चलाते हैं, ठीक है। जो रिस्क होता है, जो प्रॉफिट होता है वो भी उनका होता है, लॉस होता है तो वो आपस में मिलकर बियर करते हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस जो है वो काफ़ी सालों पुराना है, ठीक है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है वैसे ही क्या है, जो फैमिली बिज़नेस है वो भी क्या है बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है, ठीक है। इसके लिए कोई भी ऐसे लॉ तो नहीं बनाया गया, लेकिन यह अपने हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग चलता है। हाँ जी, क्योंकि हिंदुओं ने ही क्या है मिलकर बिजनेस को स्टार्ट किया था, मतलब क्या है पूरी की पूरी फैमिली एक बिजनेस में मिल जाती थी और क्या है मतलब एक बिजनेस को चलाती थी। तो इस तरीके से ये कुछ अपने पुराने ही एक लॉ के अकॉर्डिंग चलता है, विच इज़ नोन एज हिंदू लॉ, ठीक है। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आपको पता ही चल गया होगा, ठीक है। इसमें एक पूरी फैमिली क्या है बिजनेस करती है और ये किसके अकॉर्डिंग चलता है, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग। इसमें अपने ही रूल्स रेगुलेशंस दिए गए हैं और उसी के अकॉर्डिंग ये चलता है, गवर्न किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, कोऑपरेशन, किससे मिलकर बने हैं, कोऑपरेशन से। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है कुछ लोग मिलकर क्या है आपस में क्या है साझेदारी करते हैं, ठीक है, मिलकर क्या है एक बिजनेस करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जिसमें क्या है वो सिर्फ अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। किसके लिए काम करेंगे, अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए। सपोज करो 50 प्रोड्यूसर ने मिलकर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बना ली, क्या बना लिया कि वो सस्ते माल में कच्चा माल, सस्ते प्राइस में, मतलब बहुत सस्ते प्राइस में कच्चा माल खरीदेंगे और जितने भी हम प्रोड्यूसर हैं क्या है उनमें बांट देंगे और क्या है ज़्यादा लागत, मतलब कॉस्ट उसकी ज़्यादा नहीं आएगी। मतलब इसमें मेनली क्या होता है कि इसमें कुछ लोग मिलकर जो कि क्या है एक स्पेशल पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए इकट्ठे होते हैं और अपने वेलफेयर के लिए, अपने लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को कौन गवर्न करता है, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। कौन सा, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। उसके बाद आई कंपनी। जब देखा कि पार्टनरशिप फर्म में क्या है मैक्सिमम मेंबर सिर्फ 200 हो सकते हैं। हाँ जी, शायद मैं बताना भूल गई कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें 200 मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा इतने बड़े लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस होने लगे हैं तो ये क्या है बहुत मुश्किल हो गया, ठीक है। तब आई एक कंपनी, क्या आया फॉर्म में, एक कंपनी आई, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें क्या हुआ कि इसमें क्या किया ओनर्स को और जो इसके मैनेजर्स हैं उनको अलग अलग किया। मतलब क्या है, इसके जो ओनर्स होते हैं वो अलग होते हैं और जो बिज़नेस को हैंडल करते हैं वो लोग अलग होते हैं। इसका मतलब क्या है, जो कंपनी है वो अपने ओनर से बिल्कुल अलग होती है। अगर कंपनी के ऊपर कोई केस होता है तो वो कंपनी के नाम पर ही होगा, ना कि क्या है उसके ओनर्स के नाम पर होगा, ठीक है। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, इसको एक पर्सन का नाम दिया गया है जिसका नाम क्या है आर्टिफिशियल पर्सन होती है, जो क्या है अपने नाम से बिज़नेस करती है, कोई भी ट्रांजेक्शन करती है, और क्या है इसके जो मैनेजर होते हैं जो इसको मैनेज करते हैं वो अलग होते हैं और जो इसके ओनर होते हैं वो अलग होते हैं। क्योंकि क्या है सभी इतने सारे जो ओनर्स होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो अपने जो इतने दूर दूर तक फैले हुए हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो उस कंपनी को उस एरिया में जाकर संभाले, ठीक है। तो इसलिए क्या होते हैं वो कुछ मैनेजर अपॉइंट करते हैं, वो मैनेजर क्या है उस कंपनी को संभालते हैं। हाँ जी, जो हमारा कंपनी है वो कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग काम करते हैं, कंपनीज एक्ट 1956 और 2013। एक कंपनी एक्ट 1956 बना था, फिर उसमें कुछ चेंजेस हुए जिसको जाना गया कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि एक अकेला ओनर होता है, वही सब चीज़ों को मैनेज करता है, ठीक है, वही क्या है सभी प्रॉफिट लॉस को क्या है संभालता है, ठीक है, वही उसका ओनर होता है। पार्टनरशिप फर्म में क्या हुआ कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलकर क्या है एक फर्म चलाते हैं, उसको रन करते हैं और जो प्रॉफिट होता है आपस में बांट लेते हैं। मैक्सिमम मेंबर इसमें कितने हो सकते हैं, 200, ठीक है। और ये कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग काम करता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। और एक और फॉर्म है हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि क्या है हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पूरी एक फैमिली एक बिजनेस में बिजनेस को संभालती है, उसको रन करती है, जो भी प्रॉफिट होता है वो आपस में बांट लेती है, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग चलती है, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, इसमें कुछ लोग मिलकर जिनका क्या है एक अकेला, मतलब
एक पर्पस होता है, जिनका एक कॉमन पर्पस होता है, मिल जाते हैं और अपने जो मेंबर्स होते हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग चलती है? स्टेट कोऑपरेटिव 2030 स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक कंपनी है, उसमें क्या होता है, जो ओनर होते हैं वो इसके अलग होते हैं और एक क्या जो इसके मैनेजर होते हैं वो अलग होते हैं। ये एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है जो कि क्या अपने नाम पर ही ट्रांजेक्शन करती है। अभी आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, मैं जस्ट आज इसका व्यू दे रही थी कि इसमें होता क्या है, ठीक है। हम इसके बारे में डिटेल, सोल प्रोप्रेटरशिप के बारे में अलग से, पार्टनरशिप फर्म के बारे में अलग से, सबके बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। आज सिर्फ इसका व्यू दिया गया। हाँ जी, अब आपने देखा कि सोल प्रोप्रेटरशिप में एक ओनर होता है, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म में दो या दो से ज़्यादा ओनर होते हैं। इसका मतलब पहले जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पर्सन की थी, पार्टनरशिप में क्या हो गया, वो ओनरशिप और अथॉरिटी, सॉरी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी थी वो बंट गई, ठीक है। हिंदू डिवाइडेड फैमिली में क्या है, सभी मेंबर्स के बीच में बट गई, ठीक है, और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन उनके मेंबर्स के बीच में बट गई। आपने देखा कि जैसे जैसे जो ओनरशिप है वो चेंज होती गई, वैसे वैसे क्या हो गई, उनकी लीगल एंटिटी चेंज होती गई। मतलब पहले तो वो पार्ट सिर्फ सोल प्रोप्रेटरशिप थी, फिर क्या हो गई, वो पार्टनरशिप हो गई जब दो से ज़्यादा मेंबर बन गए, ठीक है। जब उसने ज़्यादा मेंबर को इंक्लूड कर दिया, उसने कंपनी की फॉर्म ले ली। तो इस तरीके से जैसे जैसे उनकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती गई, उनकी लीगल फॉर्म में भी क्या आता गया, चेंज आता गया, इनको इनके अकॉर्डिंग एक्ट दिए गए, ठीक है। तो ये कहता है कि जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो और कुछ नहीं है बल्कि जो इनकी लीगल एंटिटी में चेंज आता है, इनकी लीगल फॉर्म में जो चेंज आता है वही क्या होता है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे जैसे क्या इसकी ओनरशिप चेंज होती है, वैसे वैसे क्या होती है, इसकी लीगल फॉर्म चेंज होती रहती है। लीगल फॉर्म चेंज होती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। हमने जस्ट इसके मीनिंग जाना है कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है और कैसे ये कंसेप्ट में आया, ठीक है। अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।